हेलो क्लासेस, कैसे हो सारे लोग? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे चल रहे हैं आपके सीओसी के दिन? और मैं आज एक तड़कता भड़कता एक कंटेंट लेके आ चुका हूँ मैं मैदान में। आप लोग पूछो क्या तड़कता भड़कता कंटेंट लेके आ गए हो ब्रेव भाई? आज मैं लेके आया हूँ एक वार्ड अटैक प्लस दो प्रो लेवल का वार्ड अटैक, जो देख के आप लोग सीधा हो जाओगे। तो उसके लिए आज का वीडियो, और ये वीडियो आई होप आप लोगों को सारे लोगों को पसंद आएगा। या बिना बात करके देरी ना करके हम लोग वीडियो के ऊपर जाते हैं, ठीक है? हमारा आज का मुद्दा है, देखो दो वार अटैक है, ठीक है? एक वार अटैक इस वीडियो में मैं करूँगा, ठीक है? नंबर 9 का जो बेस है, ये एक कॉम्पैक्ट पूरा बेस है। ये जो एयर स्वीपर देख रहे हो, मैं करने वाला हूँ ब्लेजर फाइटर, ठीक है? मैं क्या करने वाला हूँ, इधर से कुछ ब्लिंक छोड़ूंगा वारेन के अंदर। पूरा इस जगह में मैं बास्ट करूँगा। इनविजिबल पूरा कंपार्टमेंट को, पूरा कंपार्टमेंट को लेने का मेरा टारगेट है, ठीक है? देखते हैं आज मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, और उसी के हिसाब से मैं पाथिंग भी करूँगा, ठीक है? देखते हैं क्या होगा आज। लेट्स स्टार्ट, चलो क्या होगा देखते हैं। गो, आई होप हो जाएगा ये अटैक। चलो ब्लीम छोड़ते हैं, लून छोड़ दिया, वार्डन भी छोड़ दिया, देखते हैं। एंड एबिलिटी एक फ्रीज, परफेक्ट जा रहा है ब्लीम को, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। रेज एकदम, एकदम प्रॉपर जा रहा है। और एक निकल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। किया वार्डन मारते, ओ हो ऑसम लेवल का वैल्यू मिल गया भाई। चलो वैल्यू तो बहुत ही अच्छा मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, इधर क्वीन को डालना है, इधर क्वीन को डालना है, इधर से मैं पासिंग कर दूंगा ड्रैगन का, और इधर से एक बेबी ड्रैगन डाल दूंगा। डबल ड्रैग, देखते ड्रैगन कितना दूर जाएगा। और रेज डालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा किया, मैं फर्स्ट टाइम कमेंट्री कर रहा हूँ तो वीडियो में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है गाइस, थोड़ा मैनेज कर लेना। मुझे तो लगता है ये अटैक 3 स्टार जाने वाला है, क्योंकि जो वैल्यू मिला है मुझे फर्स्ट में, देखते हैं। पहली बार तो वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आई होप, देखते हैं कितना दूर होगा। ये तो मुझे 3 लग रहा है। हेरा हंटर छोड़ दिया, ये तो ओवर पावर किल हो गया भाई। इतना कॉम्पैक्ट बेस में तो ओवर पावर ही किल होना था ना, क्या बोलते हो गाइस? गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता कैसा लगा आप लोगों का अटैक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, ठीक है? ये तो बूम बूम सील्ड सब कुछ हो गया, और ये भी 3 हो गया। चलो कैसा लगा ये अटैक ज़रूर से बताना कमेंट में। और एक अटैक दिखाने वाला हूँ मैं नंबर 6 के ऊपर, अनिर्बन ब्रो ने किया है, मेरे क्लैन के बंदे ने, इसने किया है सुपर बोलस स्मैश। सुपर बोलस स्मैश किया, बहुत पावरफुल है ये, जो भी बोलो ग्राउंड पे। पेट में है किंग के साथ, ये पेट का नाम क्या था मैं भूल जाता हूँ बार बार। वार्डन के साथ पॉइजन लिजर्ड छोड़ दिया, और किंग के साथ फ्रॉस्टी है, क्वीन के साथ यूनिकॉर्न है, और आरसी के साथ डीगी है। और जो सीचमेट फेंका है ना फ्लेम फिंगर, बहुत ओपी है। परफेक्ट टाइम रेज, लून छोड़ दिया इधर साइड से, ये तो सुपर मिनियन तो किया समझो। फ्लेम फिंगर उसका काम कर रहा है बहुत अच्छे से, देखते हैं कितना अच्छा वैल्यू जाएगा। ये टीएच का वार्डन से मिल पाएगा, देखते हैं। बिना रेज से मिलेगा क्या, देखते हैं। एक वॉल ब्रेकर कर दिया,
इधर साइज से ही एक जाएगा लगता है आर्मी। ये वॉल बस्ट किया है ना, देखते ये जो ये इलेक्ट्रो टाइटन है ना, ये बहुत पावर प्रूफ है भाई। वार्डन को बुला लिया, मतलब फ्लेम फिंगर से टीएच आ जाएगा इसलिए वार्डन को बुला लिया। बहुत ही अच्छे से जंप फेंक दिया, परफेक्ट टाइम पर किंग एबिलिटी प्लस वार्डन एबिलिटी। ओह कोड में बवाल हो रहा है भाई, ये तो बवाल मचा दिया लगता है। आठ से छोड़ दिया डीगी के साथ और रेज आ गया। अब तो सुपर बोलर के थ्री बोलर हिट तो बस सारे के सारे डिफेंस जाएगा। ये आर्मी मुझे बहुत ओपी लगता है भाई ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में इतना ओवर पावर प्रूफ है ना, ये बहुत ओवर पावर प्रूफ है जो भी बोलो। फ्लेम फिंगर अभी तक टूटा नहीं है, लगता है उसका काम तमाम फ्लेम फिंगर का लगता है अभी। आरसीबी छोड़ दिया, अभी भी बचा एक रेज, दो फ्रीज, एक स्केलीटन। स्केलीटन आई थिंक एक्सपो में डाल सकता है इसका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। रेज डाल दिया, रेज का ज़रूरत भी नहीं था, एक तरफ से स्वैग भी हो गया ये स्पेल। एक स्केलीटन एक फ्रीज डाल दिया मैंने जैसा बोला था, मुझे पता था भाई मेरा तुम्हारा भाई जब कह रहा है यहाँ पर ये डालेगा तो डालेगा ना। तुम लोग कहोगे कि तुमने भाई अटैक देख लिया, नहीं मैंने अटैक देखा नहीं है, तुम लोगों के साथ ही देख रहा हूँ। ये तो ओवर पावर किल हो गया भाई, क्वीन का एबिलिटी बचा है, सब कुछ बचा है। चलो आज के वीडियो में और एक मैं बहुत ओपी वाला अटैक दिखाने वाला हूँ मेरे क्लैन के बंदे का, बाबाई ना बंदे का, जो मतलब एक अटैक किया है, मतलब आपको दिखाता हूँ। ये जो तीन नंबर बेस पर अटैक किया है ए के बाबाई ने, 99% हुआ है टाइम फेल, बट ये अटैक बहुत अच्छा हुआ था, आप लोगों को दिखाता हूँ। आज अभी तक का जो ट्रेंडिंग आर्मी चल रहा है सुपर टाइटन स्मैश, ये बहुत ओपी आर्मी है, क्या ही बोलूँ। आरसी के साथ फेनिक्स से बहुत ओपी पेट से ग्रो। लून छोड़ दिया, अब लून के साथ वार्डन छोड़ दिया, अब ब्लीम छोड़ेगा जिससे पूरा ये जो कोड का जो वैल्यू है सुपर आर्चर से पूरा मिल जाएगा। एबिलिटी मार दिया, ईगल भी आ जाएगा, परफेक्ट आ गया एकदम ब्लीम बास्ट। वॉल ब्रेकर ने वॉल फोड़ दिया, अब क्लोन डालेगा, सिर्फ देखना। इन भी डाल दिया, दो क्लोन, एक रेज, इन भी, अब देखना टीएच मोनोली सारे के सारे सब कुछ लेगा, इतना ओपी है। अब कहोगे कि भाई ये आर्मी बहुत रिस्की है, हाँ मुझे पता है ये आर्मी बहुत रिस्की है। चलो दो गुना स्पीड में देख लेते हैं कैसे किया है। ये बुला लिया एक आर्चर से, सारे के सारे विच को मार दिया। ये इलेक्ट्रो टाइटन का जो ऑरा है ये बहुत ओपी का चीज़ है, क्योंकि मतलब जो डैमेज करता है ना, मतलब देखो सी वैल्यू, देखो सी मतलब क्वींस बाहर चला गया फिर भी ये अटैक इतना ओवर पावर गया, समझो 99% गया, समझ सकते हो कितना ओपी है। देखो फिनिक्स से, फिनिक्स ने आरसी को जिंदा भी कर दिया, और बीच का जो सिंगल इन्फर्नो था वो भी चला गया, समझ सकते हो भाई कितना ओपी चीज़ है। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे वाला कमेंट्री के साथ बोलूँ, बट मैं समझ सकते हो ना थोड़ा दिक्कत होता है, पहली बार कर रहा हूँ ना, सेकेंड वीडियो है मेरा वॉइस ओवर का, बट आप लोगों के लिए बेस्ट कॉन्टेंट लिखा है। ये जो एक्सपो है ना ये बहुत एचपी था इसलिए थोड़ा टाइम फेल हो गया, नहीं तो ये ट्रिपल था भाई। नाइस बाबाई ब्रो, बहुत अच्छा अटैक था। आज का वीडियो इतना तक, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताना, और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।